the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. तो आपको समझ में आएगा कि ये कुंभ राशि का आदमी कैसे होगा।
तो यहां देखिए कि क्या लिखा है, उसकी श्लोक में क्या लिखा है कि दाता मतलब अपने पास जो है वो दूसरे को देने वाला है। ये पैसा निकाल के देगा क्या? देखिए इसका स्वामी कौन है? शनि है। तो ये चतुर्थ वर्ण का है, ये पैसा देगा क्या? नहीं देगा। वो क्या दे सकता है कि इनके कर्मस्थान में आप देखिए कि कर्मस्थान में इनके वृश्चिक राशि है, ये जो विप्र वर्ण की है। आपको अगर राशि अच्छी तरीके से सीखनी है, कोई भी राशि अच्छी तरीके से सीखनी है, तो उनके कर्मस्थान में कौन सी राशि आती है वो देखिए, फिर आपको वो राशि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि आदमी जो बनता है वो एक पर्सन पर्सनालिटी से बनता है और पर्सन से बनता है, मतलब जिसको हम लोग व्यक्तिमत्व और व्यक्तित्व करके बोलते हैं। तो व्यक्तिमत्व जो देखते हैं हम लोग वो लग्न भाव से देखते हैं, और व्यक्तित्व जो देखते हैं वो हम लोग कर्म से देखते हैं। एक उदाहरण के तौर पे लेंगे कि आप मुझे क्या संबोधेंगे? सर करके पुकारेंगे। आप मुझे बोलेंगे सर, मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीवी मुझे सर बोलेगी क्या? मेरा बेटा मुझे सर बोलेगा क्या? मैं ऑफिस जाऊंगा तो मेरे साथ वाले मुझे सब सर बोलेंगे क्या? नहीं। आप सर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा कर्म आपके प्रति जो है वो गुरु जी का है। घर में बीवी मुझे सर नहीं बोलेगी, बेटा मुझे सर नहीं बोलेगा, बेटा बाबा करके या डैडी करके बोलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा कर्म उसके प्रति जो है वो पिता का कर्म है। ऑफिस में मैं जाऊंगा तो मेरे जो जूनियर्स है वो मुझे सर बोलेंगे, और मेरे जो सीनियर्स है उनको मुझे सर बोलना पड़ेगा। तो ये जो आदमी अगर हमको समझना है तो एक तो हम लोग उसके व्यक्तिमत्व से उसको ये पाएंगे, लेकिन व्यक्तिमत्व क्या बताएगा? जो उनका जो बाहर का रूप है वो व्यक्तिमत्व आपको बताएगा, लेकिन उनका जो कर्म है वो कर्म देखने के लिए हमको उसके दशम भाव में जाना पड़ेगा। तो वहां अगर हम लोग जाके देखेंगे तो इनके दशम भाव में क्या है? वृश्चिक राशि है, मतलब जो विप्र वर्ण की राशि है, और विप्र का काम है ज्ञान, मतलब ये जो सेवा देंगे सोसाइटी को वो सेवा कैसी देंगे? ये शुद्र वर्ण की है, मतलब सेवा देनी है ना इनको, तो सेवा देनी है, तो सेवा काय कैसे देंगे? कि ज्ञान ज्ञानदान करके ये लोग सेवा देंगे। तो आप कोई भी वायु तत्व की राशि यहां देखेंगे, मतलब आप यहां मिथुन रखो तो यहां मीन आती है जो कि विप्र वर्ण की है, बराबर है। आप यहां तूल रखो तो यहां कर्क आती है जो कि विप्र वर्ण की है। अभी हम लोगों ने देखा कि यहां कुंभ है तो यहां वृश्चिक राशि जो विप्र, मतलब कर्क वृश्चिक और मीन ये तीनों भी विप्र वर्ण की राशि शूद्र वर्ण के कर्मस्थान में आती है। शूद्र का काम है सर्विस देना। क्या सर्विस देंगे? ये सर्विस देंगे विप्र की सर्विस देंगे, मतलब ज्ञान दान करेंगे। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए, बाद में हम लोग कहेंगे। ये दाता लसा तो ये थोड़ा आलसी है, लेजी है, लेजी है। क्यों लेजी है? कि स्थिर तत्व की है, ये जो वायु है वो स्थिर है, और ये कॉन्फिडेंट है कि मैं स्थिर होने के बावजूद भी मैं सक्सेसफुल होने वाला हूं। तो इसीलिए वो कोई भी चीज आराम से करेंगे, कृतज्ञ, मतलब कोई भी आपको अगर उपकार ये करता है, आप फेवर लेते हैं किसी से, तो वो दिमाग में रखने वाले ये लोग है। गजवाजी धनेश्वरा, गज मतलब हाथी, वाजी मतलब घोड़ा, तो ये गधा मतलब घोड़ा और हाथी इनको संभालने की कैपेसिटी, ऐसे पैसे वाले ये लोग है। शुभ दृष्टि सदा सौम्य, तो नॉर्मली ये कोई भी बात रफ तरीके से नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। मकर राशि इसके उल्टा हम लोगों ने देखी कि वो थोड़ी झगड़ालू है, डिबेट करने वाली है, ये डिबेट नहीं करेंगे, ये अपना काम करेंगे आपको कन्विंस करने का। आप कन्विंस हो गए तो ठीक है, नहीं तो ये चल पड़ेंगे। शुभ दृष्टि सदा सौम्य, धन विद्या कृतोद्यम, तो किसी लिए किसके लिए ये लोग आग्रही रहेंगे? तो कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए ये अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे। मतलब पैसा ये इनका धन नहीं है, इनका धन क्या है? धन विद्या, विद्या ये इनका धन है,
ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। पुण्य आत्मा ये लोग काइंड हार्टेड रहते हैं, अपने तरीके से जितने भी हो, जितना भी हो सके दूसरों को मदद करने की, स्नेह युक्त स्वोपार्जित धनान्विता। स्वोपार्जित मतलब खुद के कष्ट से बनी हुई जो है ऐसे पैसा ये करने वाले ये लोग हैं। शालूर पुक्षी निर्भीता कुंभ राशो प्रजा देते, तो ऐसे कुंभ राशि ये बताई गई है जो पुरुष स्वभाव की राशि है। तो नेचुरली इनमें पुरुष का गुण क्या दिखाई देगा आपको, कि जो डिसीजन मेकिंग है जो पुरुष का गुण है ये आपको दिखाई देगा। स्थिर स्वभाव की राशि है, तो इसके पहले भी हम लोगों ने स्थिर राशि देखी थी कि वृषभ राशि हम लोगों ने देखी थी कि वो स्थिर राशि है, वो अपन खुद के जो सुख मिलता है वो सुख मिलने के लिए वो स्थिर है। सिंह राशि हम लोगों ने देखी थी कि वो स्थिर है, तो सिंह राशि का गोल अलग है, वृषभ राशि का गोल पैसा मिलना सुख पाना ये वृषभ राशि का गोल है, सिंह राशि का गोल जो है वो मान सम्मान पाना उसके लिए ये स्थिर है। वृश्चिक राशि जो है वो थोड़ी शरीर सुख से लगाव रखने वाली राशि है, वो कंटिन्यूस मिलनी चाहिए उसके लिए वो स्थिर है। और ये जो कुंभ राशि है ये ज्ञान पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए वो लोग एक्टिव रहेंगे, लेकिन ज्ञान पाने के बाद जो मैच्योरिटी आने के बाद जो स्थिरत्व आता है उस तरीके से ये स्थिर रहेंगे। बाद में पर्सनैलिटी अगर हम लोग देखेंगे तो फिर जैसे कि मैंने मकर राशि के बारे में जब सिखाई थी उस टाइम कहा था कि मकर राशि का जो ये है कि जितने भी जो वो हम लोग बोलते हैं कि बाकी जो सुंदरता के लक्षण जो है तो बाकी राशि में भी है, और जो कुरूपता का अग्निनेस का जो ये दिया है वो सब शनि प्रधान ये राशि को दिया हुआ है, ये सब किताब में दिया हुआ है, लेकिन असल में ऐसे दिखाई देता है कि आपको। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं फिर आपको ध्यान में आएगा कि ये किताब की बात और असल में होने वाली बात में अलग अलग है। कि आजकल फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कहा गया है कि सबसे खूबसूरत फिल्म इंडस्ट्री की औरत जिसके ऊपर डिबेट नहीं हो सकता वो मधुबाला का नाम लिया हुआ है, और मधुबाला कुंभ राशि की है। तो ये लोग गुरु भैया नहीं है, लेकिन शनि प्रधान होने की बावजूद होने की वजह से चतुर्थ वर्ण के होने की वजह से इनको ये गुरुता का जो ये दिया हुआ है वो उसकी वजह से दिया हुआ है। जब हम लोगों ने बुध प्रधान राशि सीखी थी मिथुन और कन्या तो उस टाइम कहा था कि इनके पर्सनालिटी से इनकी उम्र का अंदाज नहीं आता है, इतने यंग दिखते हैं मिथुन और कन्या वाले, और मकर और कुंभ वाले कि अगर इनकी तरफ आप देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि इनकी उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन असल में इतनी उम्र इनकी नहीं रहती है, ये बात आप नोटिस करोगे। बाद में और एक बात मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल बोलना चाहता हूं, लेकिन देखिए कि हर चीज किताब में रखी है या किसी ने सिखाई है वो पूरी तरह से सही है, या मैं जो एक्नॉलेज कर रहा हूं, मैं जो ज्ञान पा रहा हूं, मैं जो ज्ञान लेके आगे बढ़ रहा हूं वो सही होती है, वो देखने की बहुत जरूरी है। कि जब हम लोगों ने प्रसवक्षम राशि कही थी तभी कुंभ राशि को वंध्या राशि कही थी, सिंह कन्या कुंभ वंध्या राशि से हम लोगों ने कहा था। अभी जिसके कर्म यहां पे आइए कि जिसके कर्म स्थान में वृश्चिक राशि है, मतलब शरीर बाह्य जननेन्द्रिय जिसको जिससे हम लोग देखते हैं वृश्चिक राशि से, वो जिसके कर्म स्थान में है वो राशि वंध्या हो सकती है क्या? सोचने वाली बात है कि नहीं? दूसरी बात और मैं एक बताना चाहता हूं आपको कि बीच में टीवी में प्रोग्राम हुआ करता था, मुझे याद नहीं अभी, लेकिन जावेद अख्तर उसके होस्ट थे, और ये मधुबाला के बारे में ही उन्होंने कहा था कि मधुबाला की टोटल लाइफ थी 36 ईयर, 36 36वें वर्ष में वो गुजर चुकी,
तो उस स्पैन में ऐसे कहा गया था कि फिल्म इंडस्ट्री में 5-6 लोगों से उनका उसका नाम जुड़ा हुआ है, तो ये वंदित्व के लक्षण है। नहीं बोलेंगे, नहीं कहेंगे हम, क्योंकि इनके कर्म स्थान में अगर वृश्चिक राशि आ रही है तो ये वंद्य कैसे हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो ये हो गया। बाद में इसका जो अम्बल है मकर राशि का, हम लोगों ने देखा कि घुटने पे इनका अम्बल है, तो घुटने के नीचे का जो पैर भाग है, पैर का मुझे पता नहीं हिंदी में उसको क्या कहते हैं, लेकिन घुटने के नीचे और फुटस्टेप के बीच में का जो ये है, हम लोग मराठी में उसको पोटरी बोलते हैं, तो वो जो है उसके ऊपर कुंभ राशि का अम्बल है। तो नेचुरली इनको जो बीमारी होगी तो उसकी वीकनेस की वजह से होगी, जैसे कि पैर दर्द करना, पैर दर्द करना, बाद में फिर ये वायु तत्व की है। और एक बात कहना मैं भूल गया कि जैसे अपन हम लोगों ने देखे थे कि मेष राशि में पूरा अग्नि तत्व था, मतलब राशि स्वामी अग्नि तत्व था और राज भी अग्नि तत्व थी। कर्क राशि में हम लोगों ने देखा था कि राशि स्वामी चंद्र जल तत्व था और राशि कर्क वो भी जल तत्व थी। कन्या राशि में हम लोगों ने देखा था कि राशि स्वामी बुध पृथ्वी तत्व था और राशि भी पृथ्वी तत्व की, मतलब वहां एब्सोल्यूट अग्नि था, जल था, पृथ्वी थी। यहां आप देखेंगे यहां एब्सोल्यूट वायु है, मतलब ये शनि जो है ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करने वाला है और ये राशि भी वायु तत्व की है। मतलब शुरू में वायु तत्व के जितने भी गुण हम लोगों ने देखे थे वो सभी ये राशि में आप पाएंगे। और वहां अपना हम लोगों ने देखा था वायु तत्व के इसमें कि ये लोग ज्ञानी होते हैं। तो इसके पहले भी वायु तत्व की राशि हम लोगों ने देखी थी मिथुन, लेकिन वहां क्या था कि राशि स्वामी बुध पृथ्वी तत्व का था, मतलब वो पृथ्वी और वायु का कॉम्बिनेशन था। दूसरी वायु तत्व की राशि हम लोगों ने देखी थी तुल, वहां राशि स्वामी शुक्र जो था वो जल तत्व था, मतलब जल और वायु का कॉम्बिनेशन। यहां आप अगर देखोगे तो वो एब्सोल्यूट वायु है, मतलब वायु के जितने भी गुण है वो सबसे ज्यादा आपको शनि कुंभ राशि में पाए जाएंगे। पर भी कौन सा मतलब अगर इनका कैसे पर्सनालिटी कैसी है इनकी, जैसे कि मैंने कहा कि वायु तत्व की कोई भी राशि आप लो उनको हाइट दी हुई है, बाद में वायु का जो कलर है वो ब्लैक कलर है, मतलब काला रंग इनको दिया हुआ है, बाद में थोड़ा स्टाउट भी है। और अगर आप देखेंगे कि दांत इनके खराब है, आग जो है वो थोड़ी नीचे गई हुई है, चिक बोन्स ऊपर आने की वजह से आग आपको लगेगी कि थोड़ी अंदर गई हुई है। और आप अगर देखेंगे कि जैसे मकर राशि के बाद सिखाते टाइम हम लोगों ने देखा था कि मकर राशि के जो दांत है उनमें गैप ज्यादा है, कुंभ राशि के दांत अगर आप देखेंगे मकर और कुंभ में फर्क क्या है, दोनों में भी दांत आप नोटिस करोगे, टीथ उनके नोटिस करोगे कि कुंभ राशि के जो दांत है वो ओवरलैपिंग है। एक उदाहरण देता हूं आपको तो पक्का समझ में आएगा, मौसमी चटर्जी याद आती है आपको फिल्म इंडस्ट्री की, उसके दांत कैसे थे ओवरलैपिंग, तो वैसे जो ओवरलैपिंग जो ये रहते हैं वो कुंभ राशि कुंभ और सिंह में आपको प्रोमिनेंटली आपको दिखाई देगा क्योंकि दांत जो है वो ओवरलैपिंग है। बाद में अगर इनके प्रोफेशन के बारे में देखेंगे तो कोई भी जो बौद्धिक व्यवसाय है वो इनके लिए सूट करता है, एक जगह में बैठने वाला व्यवसाय इनको सूट करता है। गूढ़ विद्या के ये लोग अभ्यासक है, ये लोग संशोधक प्रवृत्ति के है, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी ये लोग अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। बाद में कानून ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, क्यों, इसका स्वामी जो शनि है वो कानून का कारक है। बाद में ये एडमिनिस्ट्रेटर है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ऐसे सब ये भरने ये हुए से ये कुंभ राशि है। अब अगर हम देखेंगे कि जैसे इनकी बीमारी जो मैंने कहा है कि एक तो स्किन डिसीज इनको है, पैर की बीमारी है, नेत्र की बीमारी इनको हो सकती है, बाद में संसर्गजन्य आधार, मतलब एक की वजह से जो दूसरे को आधार होता है वो उनको ये होने के इनको ये है,
हार्ट अटैक, इसके सामने जो राशि आती है सिंह, नॉर्मली आप देखेंगे कि जो एक दूसरे के सामने राशि आती है ना, वो उनकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी लेती है, उनकी बीमारी भी लेती है, उनके जो भी गुण दुर्गुण है, गुण दोष है, वो सब ये रखे, तो थोड़े हार्ट अटैक के भी इनको ये है। और अगर इनके ये देखेंगे, इनमें कोई ये राशि में शनि शुभ फलदायी है, बुध शुभ फलदायी है, ज्ञान का कारक गुरु यहाँ शुभ फलदायी है, कला का कारक शुक्र भी थोड़ा बहुत ठीक फल देता है, रवि चंद्र मंगल यहाँ पे अच्छे फल नहीं देते। इनका अगर इनकी जो देवता है कुंभ राशि के, अगर हम लोग देखेंगे तो जिन्होंने सब विश्व को संभाल के रखा है वो भगवान शिव, ये कुंभ राशि की देवता है। और इसके अगर एग्जाम्पल्स हम लोग देंगे तो आपको देखेंगे कि ये लोग कितने ज्ञानी है, ज्ञानी भी है और समाज के प्रति इनका उत्तरदायित्व भी आपको दिखाई देगा। अब्राहम लिंकन कुंभ राशि के थे, बाद में अगर आप देखेंगे तो रामकृष्ण परमहंस कुंभ राशि के थे, मधुबाला का नाम मैं पहले कहा, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते हैं विवा शिरवाड़कर, जिसको हम जिनको हम लोग मराठी में कुसुमा रेड के नाम से जानते हैं, वो कुंभ राशि के है। कुल देश पांडे कुंभ राशि के है। वर्ल्ड वाइड जिनको पब्लिसिटी मिली है कि गायनेकोलॉजिस्ट नंबर वन करके जिनको पब्लिसिटी मिली है, तो डॉक्टर बी एन पुरंदरे वो कुंभ राशि के थे। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, आपको मिले तो जरूर पढ़ना, कि शल्य, उसका नाम है शल्य कौशल्य। और ये डॉक्टर पुरंदरे जितने मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट थे उतने ही मशहूर ये ज्योतिषी भी थे, वो अच्छे पामिस थे, अच्छे ज्योतिषी थे। तो आप उनके जो ऑटोबायोग्राफी है शल्य कौशल्य, उसके पहले पेज में इनकी कुंडली दी हुई है और उनके हाथ का ये भी दिया हुआ है, इम्प्रेशन भी दिया हुआ है। तो ये डॉक्टर बयन पुरंदर ये थे। बाद में अगर खिलाड़ी आप देखेंगे कि टेनिस हम लोग देखते हैं, बहुत से प्लेयर आते हैं जाते हैं, लेकिन स्टेफी ग्राफ ये ऐसे ये थे कि उनके खेल में जो नजाकत थी, कला थी, वो आपको बाकी के, अभी सेरेना और वीनस विलियम्स जीत रहे हैं लेकिन वो ताकत के बल पे जीत रहे। लेकिन स्टेफी ग्राफ का गेम अगर आप याद करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि उनमें उसमें जो कला है, आर्ट है, तो वो आर्ट आपको कुंभ राशि के जो वायु तत्व, मतलब आर्ट कोई भी इसका जो रूट बेस्ड ज्ञान होना चाहिए, वो आप स्टेफी ग्राफ के अगर गेम देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये खेल रही है लेकिन ये खेल का ज्ञान इनको पूरी तरीके से। तो ये स्टेफी ग्राफ आपको कुंभ राशि के दिखाई देंगे। आगे जाके राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि का हम लोग पढ़ा ये करेंगे, उसके बारे में ध्यान लेने की कोशिश करेंगे।